दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माँ दुर्गा की नौवीं कथा के बारे में। और इस वीडियो में आपको माँ दुर्गा के नवे रूप की कथा भी सुनाने वाले हैं, जो इस प्रकार है। सिद्धिदात्री माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति की पावन कथा। माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के नौवें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। माँ की उपासना का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संतिथा, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अर्थ, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। माँ, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। माँ सिद्धिदात्री चार भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार आठ सिद्धियाँ, नंबर एक अणिमा, नंबर दो महिमा, नंबर तीन गरिमा, नंबर चार लघिमा, नंबर पाँच प्राप्ति, नंबर छः प्रकाप्य, नंबर सात ईश्वित और नंबर आठ वशित्व। ब्रह्मा वेवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार है, नंबर एक अणिमा, नंबर दो लघिमा, नंबर तीन प्राप्ति, नंबर चार प्रकाम्य, नंबर पाँच महिमा, नंबर छः ईशित्व वाशित्व, नंबर सात सर्वकामा वसायिता, नंबर आठ सर्वज्ञत्व, नंबर नौ दूर श्रवण, नंबर दस परकाय प्रवेशन, नंबर ग्यारह वाक सिद्धि, नंबर बारह कल्प वृक्षत्व, नंबर तेरह सृष्टि, नंबर चौदह संहार कर करण सामर्थ्य, नंबर पंद्रह अमृतत्व, नंबर सोलह सर्वन्यायकत्व, नंबर सत्रह भावना, नंबर अठारह सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करें, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कहीं ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें
निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। आज के युग में इतना कठिन तप जो कोई भी करता है वह माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी के इस रूप को केतु ग्रह की स्वामिनी माना गया है। जो जातक नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं उनके जीवन में केतु का दोष हट जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपने माँ दुर्गा के 9 रूपों की और कहानियाँ नहीं सुनी हो तो उन्हें भी सुन लेना, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और ये वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।